केंद्रीय जांच एजेंसी ने पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान में दर्ज किए गए कुल 5 मामले को टेक ओवर किया है। इन सभी मामलों की फाइल सीबीआई तक पहुंच गई है। अब सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी। पेपर लीक केस में अब तक 6 राज्यों का कनेक्शन सामने आया है। वहीं नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार और झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब करीब अलग अलग जगहों से 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट यूजी पेपर लीक केस में रविवार को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। इससे एक दिन पहले ही मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वो परीक्षा के आयोजन में कथित गड़बड़ी की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप देगा। ये मांग कई शहरों में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई थी। वहीं अब ईडी भी पेपर लीक मामले में शिकंजा कसने की तैयारी में है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। ईडी जल्दी नीट एग्जाम मामलों की जांच में ईसीआईआर मतलब एफआईआर दर्ज कर सकती है। बता दें कि नीट यूजी का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और दूसरे संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। ये परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। इस बार नीट यूजी परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे।